वालों ने कुर्बानियाँ देकर ये वतन हमें आज़ाद मुल्क दिया और हम बहुत खुश हैं और उस रब तआला की करम नवाजी है, हम पर मजबूत का करम है कि आज देखें कि हम अपने आज़ाद वतन में अपने खुशियों से रह रहे हैं। ये देखें जी बाजार की रौनकें, माशाल्लाह मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ हुआ है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज दिलशाद एंड वाचिंग द शाह मिश्ता व्लॉग्स। गाइस इस वक्त मैं खड़ा हूँ फैसलाबाद स्टेशन चौक में और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं जी, पानी आ रहा है जी, ये देखें चाय की प्याली भर रही है जी पानी के साथ, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है जी। और आज है 14 अगस्त, तो आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। व्यूअर्स मैंने ब्लॉग ये स्टार्ट कर दिया है और अब मैं नेक्स्ट आपको शहर जाने लगा हूँ, वहाँ पर दिखाऊँगा कि लोग किस तरह शॉपिंग कर रहे हैं, जश्न आज़ादी की जो चीज़ें ले रहे हैं। तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ इस वक्त और मज़ा आ गया जी, ये देखें जी। तो इसी तरह ब्लॉग चलता रहेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। व्यूअर्स ये मैं स्टेशन चौक में खड़ा हूँ, मैं आगे नहीं गया, आप देख रहे हैं कितनी ट्रैफिक है। और ये देखें मेरे साथ आया हुआ है आशर, अजान और रेहान, और सब एक दफ़ा बोल दो। व्यूअर्स हम क्लॉक टावर फैसलाबाद आ चुके हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं घंटाघर चौक, और आपको यहां पर बाजे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, हर जगह बाजे ही बाजे हैं। अच्छा यार ये बाजे वाला क्या सीन है यार? बाजे वाला सीन मेरे खुद नहीं समझ आ रही है, हमें भी लेने पड़ने हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितना रश है जी, रौनकें लगी हुई हैं 14 अगस्त को, और ये देखें जी बाजे इन्होंने इस तरह रखे हुए हैं। आशर यार कोई बाजा बजा कर दिखा, चल अदान बजा कर दिखा दे। वाह भाई वाह, एक बार और आशर तू बजा यार। ये मीनारे पाकिस्तान बन रहा है जी। मीनारे पाकिस्तान बन गया बेटा, दिखाना ऐसे करके दिखाना था, ये देखें जश्न आज़ादी मना रहे और देखें लोगों में जो खोज है जज्बा है, और यही जज्बा हमें आज का इस दिन ये मैसेज देता है कि ये बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर ये वतन हमें आज़ाद मुल्क दिया और हम बहुत खुश हैं और उस रब तआला की करम नवाजी है, हम पर मजबूत का करम है कि आज देखें कि हम अपने आज़ाद वतन में अपने खुशियों से रह रहे हैं, और अगर गुलामी की जंजीरें तोड़कर माशाल्लाह अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, हम आज़ाद हैं, इंशाल्लाह आज़ाद रहेंगे और अपने मुल्क के वतन के लिए अपनी दफाई प्रोग्राम के लिए हमेशा मददगार रहेंगे और काम करेंगे। आशर मज़ा आ रहा है, ये देखेंगे लाइट्स वगैरह इन्होंने लगाई हुई हैं, और कोशिश करूंगा मैं रात को भी घंटाघर चौक आऊं आपको दिखाऊंगा जी, बड़ा ये खूबसूरत ये इन्होंने सजाया हुआ है घंटाघर चौक। अजान के आप चेहरे पे देखें जी चांद और सितारा, और अब क्या बना रहे हैं जी? फ्लैग, पाकिस्तान का झंडा जी। व्यूअर्स आप देखें जी माशाल्लाह, फैसलाबाद घंटाघर चौक के मनाजर देखें जी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखें रश है और लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं जी।
पाकिस्तान गाइस, मैं अमीपुर बाजार फैसलाबाद आ चुका हूँ। ये अमीपुर बाजार है जी, बड़ा जो जश्न आजादी का जो सामान मिल जाए इसी जश्न आजादी का जितना भी सामान है वो यहाँ से मिलता है और बाजारों में भी मिलता है, लेकिन ये बाजार जो है स्पेशल यहाँ पर लोग आते हैं जश्न आजादी का सामान खरीद रहे हैं। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ, इस वक्त रश जाओ बहुत ज़्यादा हो गया है यार, अजान का हाथ नहीं छोड़ना, सही बात है आशर। एक दफ़ा कान के पास है कि बाजा मार के गुजर जा रहा है, दो मिनट सुनता ही नहीं है कुछ। पता नहीं व्लॉग में भी आवाज़ सही तरह आ रही है या नहीं आ रही। चलें जी आगे मैं चलता हूँ जी, आगे मैं आपको ले कर जा रहा हूँ जी। ये देखें जी माशाल्लाह, आप रौनकें देखें जी फैसलाबाद के बाज़ारों की। आशर कितना रश है यार इस बाज़ार में, और ज़्यादा रात को होना रश, रात को होना ज़्यादा रश। तो व्यूअर्स मैं अब आगे जा रहा हूँ, बाज़ार आगे तक भरा हुआ है और ये चूड़ी बच्चों के लिए। कितने की भजन ये? 20 रुपए सेट है। हाँ जी 20 रुपए सेट है। 20 रुपए की? 20 रुपए की है। अच्छा, और ये बड़ी? ये 50 की जोड़ा। ये 50 का जोड़ा है, एक साथ एक एक 50 का बोर्ड। चलिए चले जी आगे चलते हैं। चले व्यूअर्स, इस झंडे की मैं कीमत पूछता हूँ, इस वाले झंडे की, ये सामने आप देख रहे हैं। कितने का भाईजान, कितने का खुद खरीद रहे हैं? कितने का भाईजान ये झंडा कितने का? हाँ जी 2200 का, 2200 का ये झंडा है जी। देखें माशाल्लाह कितना बड़ा फ्लैग है। ये देखें ये सारा सामान। फैसलाबाद में अगर किसी ने भी जश्न आज़ादी का सामान लेना है तो वो इस बाज़ार में आता है। हाँ जी कैसे हैं, ठीक ठाक है? क्या ये रुमाल है आपके पास? कितने का एक है? 100 का एक। ये देखें जी बच्चे ने रुमाल पकड़े हुए माशाल्लाह, और बच्चा देखें जी तैयार हुआ हुआ है। गाइस मैं आपको बाज़ार दिखाता जा रहा हूँ, माशाल्लाह आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी का सारा सामान इस बाज़ार में है, और भी बाज़ारों में है, जंग बाज़ार में भी है, लेकिन ज़्यादा ये बाज़ार मशहूर है और कोई भी इवेंट हो इस बाज़ार में सामान मिलता है। बाज़ार तो बहुत बड़ा है, मैं आपको आगे तक लेकर अगर जाऊँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आशर और अजान को और रियान को मैंने एक जगह पे खड़ा कर दिया, व्यूअर्स मैं इनको छोड़ कर आके चला गया था वीडियो बनाने के लिए। और ये देखें जी क्या आ रहा है, रैंडमली मैं यहाँ पर आया, इनको भी पता कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। और ये डांस हो रहा है, ये कर रहा है। हाँ जी मैं आगे तक गया हूँ, मैंने बाज़ार दिखाया है, अगर मैं और आगे तक जाता तो वीडियो बड़ी लंबी हो जानी थी जी। गाइस मैंने आपको कैटागर और उनके बाज़ारों की रौनकें दिखाई, माशाल्लाह जश्न आज़ादी है, आप देख ही रहे माशाल्लाह कितना ज़्यादा अच्छा। अजान कुछ कहना चाह रहा है, अजान क्या कहना चाह रहे हो? मज़ा आ गया आपको? अजान के पास ये है, अजान मज़ा आ गया? हाँ भाई रियान बहुत रश है, और गाइस सारे बाज़ार इस वक्त हैं बंद, तो लोग जो ना इजीली गाड़ियाँ लगा कर और इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा शॉपिंग कर रहे हैं। आशर को ऐसा लग रही है गर्मी, गर्मी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो व्यूअर्स अब मैं इतने इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखे, हमें दुआ में याद रखे, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान यार, तू भी आया यार, पाकिस्तान जिंदाबाद।